बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फिल्म मिशन मजनू में पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म मिशन मजनू का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जैसे ही फिल्म का ट्रेलर अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया, वैसे ही पाकिस्तान के कुछ लोग इसे देखकर बुरा मान गए हैं। इस ट्रेलर में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का भी जिक्र है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि कैसे भारतीय जासूस पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए एक मिशन पे जाते हैं। इसी मिशन का नाम मिशन मजनू रखा गया है। नमस्ते, मैं हूँ आयुषी और आप हैं मंच पर। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के अलावा दोनों देशों के तनाव से भरे संबंधों पर बॉलीवुड में दर्जनों फिल्म बनी हैं, जिनमें से कई क्लासिक हैं, जबकि कुछ देशभक्ति के भावनाओं से भरी सुपरहिट फिल्म्स हैं। ट्विटर पर पाकिस्तानी यूजर्स फिल्म को लेकर तरह तरह के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म निर्माता और पत्रकार जैन खान ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को जवाब देते हुए लिखा है, हम दोनों ही जानते हैं कि ये फिल्म किसी सच्ची घटना से प्रेरित नहीं है। फिल्म की कहानी काल्पनिक है। वहीं टीवी होस्ट राबिया आलू अवैध ने लिखा है, पाकिस्तान के बारे में ऐसी फालतू फिल्में बनाना बंद करो। ये झूठी शिष्टाचार, टोपी, सुरमे वाली आंखें और बेवकूफी भरी कहानियां, बस करो बस। शादी अब्बास ने लिखा है, बॉलीवुड को लगता है कि सभी मुसलमान मर्द ऐसे ही घूमते हैं, सुरमा, गमछा, ताबीज और टोपी पाकिस्तान की राष्ट्रीय संपत्ति हैं, और साथ ही जो इस तरह के कपड़े पहनता है वो हमेशा आतंकवादी ही होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा अब तो आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड के इस प्रोपोगेंडा के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। ट्रेलर के शुरू होते ही पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को दिखाया गया है, जिसमें दो चिमनियां और एक हरे रंग की गुंबदकार इमारत दिखाई गई है, और कहा जाता है कि पाकिस्तान अवैध रूप से परमाणु बम बना रहा है। ट्रेलर में बताया जाता है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला, अमर भूटावाला और गरिमा मेहता ने प्रोड्यूस किया है। शांतनु बागची ने इसे डायरेक्ट किया है। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे मंचकार ऋषभ ने। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, साथ ही में ऐसी और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें।